हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी किया, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के हम लोगों ने डिफरेंट केसेस किए थे। एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने स्टडी किया था, एक ग्राउंड टू ग्राउंड या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल स्टडी किया था। अब हम प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे, जिससे प्रोजेक्टाइल में जो भी कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया है वो आपकी क्लियर हो जाए। इसके लिए टू न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक न्यूमेरिकल में हमने डिस्कस किया था कि किसी प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, तो हाईएस्ट पॉइंट पर बताइए उसकी टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। ये हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला डराइव किया था कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की काइनेटिक एनर्जी का कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स होती है। दूसरा न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था कि किसी प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पर 147 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया था, कितने टाइम के बाद वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाने लगेगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। हमने बताया था कि जो वी एक्स कंपोनेंट है या एक्स कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल का, वो चेंज नहीं होता है, उसकी वैल्यू वही होती है जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के समय होती है। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स हो जाएगा, तो 1045 इक्वल टू वी वाई अपॉन यू एक्स हो जाएगा। वी वाई हमने पुट किया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी से, तो आप आया था u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। उसको सॉल्व किया था तो 5.49 सेकंड अप्रॉक्सीमेट या 5.4 सेकंड आ रहा था। ये सेकंड न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था। अब थर्ड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल क्या है। थर्ड न्यूमेरिकल है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद अ स्पीड वी नॉट। देखिए, यहाँ से एक बॉल को जो है वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। यहाँ से एक बॉल को जो है, ये कोई बॉल है, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ है। यहाँ से किसी बॉल को वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। देखिए, a ball is thrown from a point v at speed v naught at an angle of projection theta, means वो ये बाल है, इसको पॉइंट ओ से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। अब आगे क्या हुआ, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम अ पर्सन स्टार्ट रनिंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड v naught by 2। जैसे ही हमने यहाँ से बाल को प्रोजेक्ट किया, ठीक उसी समय यहाँ पर ये कोई मैन खड़ा हुआ है, ये मैन वी नॉट बाई टू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल चलना शुरू कर देता है। जिस समय हमने बाल को प्रोजेक्ट किया, ठीक उसी टाइम उसी पॉइंट से ये पर्सन जो है वी नॉट बाई टू वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैन इस बाल को कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कैच कर लेगा तो कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए। आइए देखें, अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट बाई टू कैच द बाल, विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बाल, इफ यस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मींस पॉइंट ओ से एक बाल को वी नॉट वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, ठीक उसी समय उसी डायरेक्शन में एक मैन वी नॉट बाई टू वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करता है। क्या ये मैन इस बाल को कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और कैच कर पाएगा तो कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए। आइए देखें कैसे डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। रीजन क्या है कि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, इसका ये वी नॉट कॉस थीटा नहीं चेंज होगा, ये इसी वेलोसिटी से बाल चलती रहेगी। तो
जो ब्लास्ट अगर दो बॉडी सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर चले तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को तो ओवरटेक कर ही लेगी। तो अब अगर इस मैन की जो ये वेलोसिटी है अगर इस बाल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो उस केस में ये मैन और ये बाल सेम डिस्टेंस साथ साथ चलेंगे और ये मैन इस बाल को कैच कर लेगा। मीन्स अगर मैन की वेलोसिटी बाल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, मैन की वेलोसिटी बाल की वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल हो जाए तो उस केस में ये मैन इस बाल को कैच कर लेगा। इसका मतलब बाल को कैच करने के लिए बी नॉट बाई टू की वैल्यू यूएक्स के इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए हमने एक बाल को प्रोजेक्ट किया, आप उसी समय दौड़ना शुरू कर दिए बाल की डायरेक्शन में, अगर आपकी वेलोसिटी बाल की वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होगी तो आप बाल को कैच कर लेंगे। तो देखिए इफ स्पीड ऑफ मैन विल बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बाल ही विल एबल टू कैच द बाल। अगर मैन की वेलोसिटी बाल की वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा तो मैन बाल को कैच कर लेगा। इसका मतलब यक्स जो यक्स कंपोनेंट बाल का है वो मैन की वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए। और उसका यक्स कंपोनेंट कितना है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। मैन की वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट बाई टू। वी नॉट वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और कॉस थीटा 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया यस द मैन विल कैच द बॉल एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री पर बाल को कैच कर दिया जाए और बाल को प्रोजेक्ट किया जाए तो ये मैन उसको कैच कर लेगा। अगर 60 डिग्री पर बाल को प्रोजेक्ट किया जाए तो ये जो मैन दौड़ रहा है ये बाल को कैच कर लेगा। ओके आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मैटर देखते हैं। अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेस द अदर इन 2 सेकंड। अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेस द अदर इन 2 सेकंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए दो प्लेयर हैं, एक प्लेयर ये है एक प्लेयर ये है, दोनों एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं। यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है, ये दूसरे प्लेयर के पास 2 सेकंड में पहुंचती है। फर्स्ट वाले प्लेयर के पास से एक बाल को प्रोजेक्ट किया जाता है, सेकंड वाले प्लेयर के पास ये 2 सेकंड में पहुंचती है। अब आप सोचिए ये 2 सेकंड क्या है, ये 2 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है बाल का। ये 2 सेकंड क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ से बाल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर जाकर के इसके पास ये 2 सेकंड में पहुँच रही, तो ये 2 सेकंड का जो टाइम है ये टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है। इसका मतलब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया गया है और हमने प्लेयर की हाइट को नेगलेक्ट मान लिया है। तो देखिए द बॉल रीचेस अदर प्लेयर इन 2 सेकंड, इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपको ये सोचना होगा। चलिए बताइए स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2u sin θ/g। तो देखिए टी इक्वल टू 2u sin θ/g, इसकी वैल्यू कितनी है 2 सेकंड। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट होता है h इक्वल टू u² sin²θ/2g, u² sin²θ/2g, u² sin²θ/2g। तो अब u sin थीटा की वैल्यू हमें कितना गिवन है, जी। u sin थीटा वैल्यू कितनी गिवन है, जी। तो h इक्वल टू g² / 2g, तो g × g / 2g की वैल्यू कितनी होती है, 10 m/s², तो जगह 10/5 m। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 m हो जाएगी। तो वो मैक्सिमम हाइट 5 m जो है वो जाएगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके तो ये देखिए आपका ये अलग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, ये अलग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर थे। अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल हमने आपको बताए सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर है। अगर एक एक कॉन्सेप्ट वाइज आप सीख लोगे तो हर वैरायटी के आप न्यूमेरिकल कर लोगे। ओके आइए हम आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या होगा, अगला न्यूमेरिकल हमारा होगा, तो यहाँ पर पहले वाले इस वाले न्यूमेरिकल से आपको ये कॉन्सेप्ट मिली कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को कैच करना हो
तो जो जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, अगर उतनी वेलोसिटी से हम उसी समय उसी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दें तो हम उसको 100% कैच कर लेंगे, ठीक ना। ओके, और दूसरी बात यहाँ से पता लगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। आई और यहाँ से ही आपको कांसेप्ट ये मिला कि हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया गया है, वहाँ से हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। तो अब हम देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए।